ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका। हम लोगों ने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से आज का रॉ हमें देखने को मिला। क्या कुछ हुआ आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन को द्वारा देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन सबसे पहले आते हैं भाई, काफी सालों बाद रैंडी ऑर्टन वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलते हैं। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन सारे लोग को धन्यवाद करते हैं, स्पेशली यहाँ पर कोरी रोड्स को धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने उनको मौका दिया था वार गेम के अंदर मैच रेसल करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को ही क्लियर कर दिया अभी भी वो रोमन रेंज को नहीं भूले, ब्लड लाइन को नहीं भूले। साथ ही साथ ब्लड लाइन के अंदर जितने भी मेंबर थे, जेओसो जिमोसो को मिलाकर जितने भी मेंबर थे, सारे मेंबर को करेंट टाइम अभी वो याद रखे हुए। वैसे जैसे इनका प्रोमो खत्म होता है सामने से रिया रिप्ले निकलकर सामने आते हैं। रिया रिप्ले आकर बोलते कि भाई अब मतलब पूरा गेम चेंज हो चुका है। आज से करीब 1.5 साल पहले ब्लड लाइन WWE कंपनी को चला रहा था, पर करेंट टाइम जजमेंट डे WWE कंपनी को चला रहा है। और आज जजमेंट डे के अंदर जितने भी मेंबर है सारे मेंबर के हाथ में चैंपियंस बेल्ट है। चाहे तुम मेरा बात कर लो, चाहे डोमडाव का बात कर लो, चाहे डेवन प्रिस्ट का बात करो या फिर फिन वेलर का बात करो, रैंडी ऑर्टन के इसके ऊपर रिप्लाई आता है कि भाई देखो चाहे जो कुछ हो मैं किसी के अंडर में काम नहीं करने वाला। साथ ही साथ वो इस बात को बोलते हैं कि मामी ये है मामी यो है, बहुत कुछ हो गया मामी के बारे में, अब पापी फाइनली वापस आ चुका और है। इसी तरीके से हमें बड़ा कमाल का रिया रिप्ले और रैंडी ऑर्टन का प्रोमो देखने को मिलता है। भाई जैसे इनका प्रोमो खत्म होता है पीछे से जेडी मैकडोना और डोमडोन दोनों आकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन उसके काउंटर में जेडी मैकडोना को बड़ा कमाल का आरकेओ लगाते हैं, वहां से डोमडोन भाग भी जाते हैं। वैसे डोमडोन मामी जैसे वहां से जा रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन इस बात को बोल देते हैं कि आज के शो के मेन इवेंट के अंदर मैं डोमडोन को फेस करने वाला, डोमडोन वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियल हो जाता आज के शो के मेन इवेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें टैग टीम डिवीजन का भाई पूरा टूर्नामेंट देखने को मिलता है आज के रॉ के ऊपर। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं भाई टोटल इतने टैग टीम डिवीजन आज के शो के ऊपर मतलब पार्टिसिपेट भी किए। मैं सिंपल भाई सारे मैच को कवर नहीं करने वाला, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ इस मैच का विनर कौन होगा। वैसे वीर महान और सांगा भी यहाँ पर आते हैं भाई मैच रेसल करने के लिए, पर आपको पता है डब्ल्यू वाले इनको घंटा कोई वैल्यू देते ही नहीं। मैच का अगर हम लोग फाइनल का बात करें तो भाई फाइनल के अंदर क्रीड ब्रदर्स वर्सेस इंपीरियम के बीच में टैग टीम मैच होता है। फाइनल में लोग मतलब दोनों टीम पहुंचते हैं, फाइनली क्रीड ब्रदर्स इनको भी हरा देते हैं, नंबर वन वो कंटेंडर बन चुके। नेक्स्ट वीक से फेस करने वाला फीन वेलर और डेवन प्रिस्ट। मेरे ख्याल से भाई ये जो पुना टूर्नामेंट था एवरेज था, मैं ज्यादा इसका तारीफ नहीं करना चाहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक एसिस का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पूरा जजमेंट डे आपस में मतलब यहां पर मीटिंग कर रहा होता है। सारे लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे होते कि भाई सबसे पहले बेचारा डोमडोम का मैच ऑफिशियल हो चुका है, डोमडोम कैसे मैच के अंदर रेसल कर पाएगा। इसके अलावा जेडी मैकडोना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जेडी मैकडोना को ऑलरेडी पहले से इंजरी था, फिर से उसको इंजरी हो चुका, आरके लग चुका। जजमेंट डे के जो मेंबर थे भाई मतलब स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा सा यहां पर परेशान दिख रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें संदीप महेश्वरी कोडी रोड्स देखने को मिलता है। भाई कोडी रोड्स का प्रोमो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कोडी रोड्स का हमें बड़ा मोटिवेशन वाला हमें प्रोमो देखने को मिलता है। सबसे पहले वो सारे ऑडियंस को यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने वार गेम के अंदर उनका साथ दिया। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का भी मतलब थैंक यू बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर आकर साथ दिए थे उसके। साथ ही साथ यहाँ पर भाई सीएम पंक का भी बात चलता है, सीएम पंक के बारे में मतलब यहाँ पर थोड़ा सा वो बात कर भाई। ये सब सारा बात चल ही रहा है तभी टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सिंस्के नाकामुरा का वीडियो निकलकर सामने आता है। सिंस्के नाकामुरा यहाँ पर टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर इस बात को बोलते हैं कि भाई तुम कोडी रोड्स बहुत बहादुर एक वॉरियर हो, बहुत बहादुर तुम एक रेसलर हो, पर अब मैं तुम्हें अपना अगला शिकार बनाने वाला हूँ। जैसे वहां पर वीडियो खत्म होता है पीछे ऑलरेडी यहाँ पर सिंस्के नाकामुरा खड़े थे मतलब कोडी रोड्स के पीछे। सिंस्के नाकामुरा भाई यहाँ पर रेड मिस फेंक देते हैं मतलब कोडी रोड्स के फेस के ऊपर, मतलब रेड मिस बहुत कम ही लोग एक्चुअली यूज करते हैं। उसके बाद भाई कोडी रोड्स का यहाँ पर हालत बिल्कुल खराब हो चुका है। कोडी रोड्स का अब नेक्स्ट अपोनेंट बन चुका है हमारे सिंस्के नाकामुरा। आपको नेक्स्ट रॉ से आपको इन दोनों का आपको रिवलरी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक एसेस भाई हमें आर्ट्रूथ देखने को मिलते हैं जो कि जजमेंट डे के कमरे के अंदर घुसकर मिठाई खा रहे होते हैं। आर्ट्रूथ इस बात को बोलते हैं कि भाई मुझे कहीं पर जगह नहीं मिला मतलब खाने का मिठाई, इसलिए मैं सोचा मैं यहीं पर खा रहा हूं। इसे सुनने के बाद डेवन प्रिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेवन प्रिस्ट इस बात को बोलते कि भाई तुम्हें मतलब मेरा ही कमरा मिला है सब सारा चीज करने का। आर्ट्रूथ उसके बाद बोलते कि नहीं नहीं सिर्फ यही एक रीजन नहीं, मेरे पास एक और रीजन है मतलब यहाँ पर आने का। मुझे सुनने में आया कि तुम लोग सारे लोग वारगेम के अंदर एक न्यू बंदा ढूंढ रहे हो, मैं शायद तुम्हारे टीम का हेल्प कर सकता हूं। जो तुम अगर मेरे को अगर वारगेम के अंदर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं मैच के अंदर विन करवा दूंगा। इसके ऊपर डेवन प्रिस्ट बोलते कि भाई वारगेम ऑलरेडी आज के 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। और आर्ट्रूथ भी पूछते हैं डेवन प्रिस्ट से कि भाई तुम लोग जीते क्या, मतलब भाई बहुत फनी एक्चुअली सेगमेंट। डेवन प्रिस्ट ऑलरेडी वारगेम के अंदर हार चुके, उसके बावजूद भी आर्ट्रूथ उनसे पूछ रहे होते कि भाई तुम लोग मैच जीते या फिर तुम लोग मैच हारे। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर इसके बाद हमें आइवर और ब्रॉन्सर रीड के बीच में एक बड़ा कमाल का मैच देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई ये मैच मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट या फिर 5 मिनट का हार्डली चला होगा, वेपन का ही यूज होता है इस मैच का। और मैं इस मैच के एंडिंग में मैं देख नहीं पाया था, शायद से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में शायद से एंड हो गया। ब्रॉन्सर रीड यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, उसके कारण सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे लोग मतलब यहाँ पर ब्रॉन्सर रीड को लेकर जा रहे थे। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जोई स्टार्क और मोटी आंटी के बीच में हमें बड़ा कमाल का मैच देखने को मिलता है। ये दोनों का एक सिंगल मैच है। आपको पता है भाई मोटी आंटी को डब्ल्यू वाले करंटा में काफी अच्छा पुश करे, इसलिए मोटी आंटी इस मैच के अंदर हार नहीं सकती थी। मैच फॉर रिजल्ट मोटी आंटी जोई स्टार के ऊपर बैठ करके मतलब उनको मैच के अंदर पिन करके बहुत आसान तरीके से हरा देती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें गुंथर और मिस का बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई एक्चुअली मिस फिर से चैलेंज कर चुके हैं गुंथर। गुंथर इस बात को बोलते हैं कि भाई देख तुमसे तो मुझे बिल्कुल टेंशन है, तुम मुझे 100 बार चैलेंज कर सकते हो, मैं तुम्हें मैच के अंदर 100 बार हरा सकता हूं। मेरे ख्याल से भाई आपको फिर से गुंथर और मिस का एक बार फिर से आपको मैच देखने को मिल सकता है। इसके बाद आगे हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर भाई हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस देखने को मिलता है। भाई जैसे सेथ रॉलेंस आते हैं सबसे पहले वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलते हैं। भाई
से थोड़ा जैसे रिंग के अंदर आते हैं पूरा एरिना का ऑडियंस सिर्फ एक चैंट कर रहा था सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक। लिटरली यहाँ पर सेथ रॉलिंस भाई थोड़ा सा यहाँ पर ऑकवर्ड फील कर रहे थे यहाँ पर सीएम पंक का नाम चल रहा था। कुछ ही देर बाद सेथ रॉलिंस अपना प्रोमो कट करना शुरू कर देते हैं भाई, सारे ऑडियंस यहाँ पर सेथ रॉलिंस का म्यूजिक गाना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस इस बात को बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो चैंपियंस बेल्ट है इस चैंपियंस बेल्ट को मेरे पास आए हुए करीब 6 महीना हो चुका है, पिछले 6 महीने से मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो कि इस चैंपियंस बेल्ट के लिए मुझे हरा सके पर आज तक कोई ऐसा सामने निकल कर नहीं आया। तभी एक बार फिर से म्यूजिक यहाँ पर हिट होता है ड्रू मैकइंटायर का भाई। ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, इससे पहले आपको बताया था कि भाई ड्रू मैकइंटायर का फिर से हिल्टन हो चुका है तो फिर से शायद वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमें यहाँ पर वही सेम चीज देखने को मिलता है, ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर आते हैं सेथ रॉलिंस को फिर से मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई मुझे तुम चैलेंज करो कोई बात नहीं, पर मैं ऑलरेडी किसी को वादा कर चुका हूँ उसके साथ मेरा मैच सेटअप हो चुका है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं जे उसो के बारे में, जे उसो का मैच ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के लिए सेथ रॉलिंस ने सेट कर दिया था रॉक पर। जैसे यहाँ पर नाम जे उसो का आता भाई ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर बिल्कुल पागल हो जाते हैं, वो सीधे अपने सर से सेथ रॉलिंस के सर के ऊपर मार देते हैं जिससे ड्रू मैकइंटायर का सर एक्चुअली फट जाता है। आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं भाई ये बिल्कुल फेक नहीं था, एक्चुअली यहाँ पर सर फट गया था। और उसके बाद फिर ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि मैं जजमेंट डे के साथ सिर्फ इसलिए डील किया था क्योंकि जजमेंट डे वालों ने मुझे भरोसा दिया था कि वो जे उसो को मेरे सामने लाकर रखने वाले, वो अपने वादा से मुकर गए जिसके कारण मैं मैच भी हार गया एक्चुअली वार गेम के अंदर। तुम एक हो जो कि फिर से जे उसो को मतलब मौका दे रहे हो चैंपियंस बेल्ट के लिए। सेथ रॉलिंस के यहाँ पर पिटाई जैसी हो रहा था भाई कुछ